तो भाई साहब वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो। और ये जो टनल है इस बार कल्याण में बनाया गया है बहुत ही अच्छे से। तो आज मैं इसको कवर करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, कब आ सकते हो, यहाँ का टिकट प्राइस क्या है। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के अंदर दे दूँगा, तो ना पूरा देखना वीडियो को। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मेन टनल जिसमें पूरा फिश है, ₹100 वर्थ इट है कि नहीं यहाँ पे? ₹100 वर्थ। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। अगर आप अदर स्टेशन पे रहते हो ना, तो आपको सबसे पहले कल्याणी स्टेशन पे आना है। कल्याणी स्टेशन आने के बाद आपको वहाँ से वेस्ट में आना है। वेस्ट में आने के बाद आप अगर आधारवाड़ी बोलोगे ना, तो आपको रिक्शा वाला यहाँ पे ड्रॉप कर देगा और शायद आपसे 20-30 रुपीज़ चार्ज करेगा। तो मैं अभी टिकट निकाल लेता हूँ, फिर चलते हम लोग अंदर। और जस्ट यहाँ पे बाजू में ही टिकट काउंटर एक देख सकते हो, ये है टिकट काउंटर। तो अभी टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के टिकट का प्राइस है ₹100 पर पर्सन और चिल्ड्रंस का भी ₹100 है यहाँ पे। तो हम लोग अभी टिकट ले लिए, अभी अंदर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे टिकट चेकिंग होता है, ये आप सामने देख सकते हो, उसके बाद ही अंदर एंट्री करने देते हैं। तो अंदर चलते हैं हम लोग। आ गए हम लोग अंदर, अभी पूरा अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे जैसे ही एंट्री करोगे ना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप सामने देख सकते हो। और पूरा पूरा ब्लू ब्लू लाइट देख सकते हो और ये सामने टनल देख सकते हो। और यहाँ पे देखो फिश टैंक रखा है, अलग अलग फिश देखने के लिए रखा गया है, आप सामने देख सकते हो। मुझे तो फिश के बारे में इतना पता नहीं है और इनका नाम भी मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पता होगा ना तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन सी फिश है यहाँ पे। अभी सेकंड टनल में चलते हैं। फर्स्ट टनल की जितनी फीस थी ना मैंने दिखा दी, और अभी सेकंड टनल में चलते हैं। ये देखो, ये सेकंड टनल। और यहाँ पे ना अभी थोड़ा सॉन्ग चल रहा है, इसकी वजह से अच्छे से नहीं सुनाई देगा आपको। और ये देखो, ये सेकंड टनल की यहाँ की जितनी भी फीस है दिखा दो आपको। नाम लिखना चाहिए था ना? हाँ सही बात है। काय है, इसका टी शर्ट चमक रहा है, रेडियम वाला है। अंकल ने सही बोला, यहाँ पे ना फिश के नेम्स भी शो करना चाहिए था, जितनी भी फिश लगी है यहाँ पे देखने के लिए रखी गई है, उसका नाम शो करते ना तो सबको उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती थी। तो आगे पूरी जितनी फिश है दिखाता हूँ आपको। ये वाली फिश देखो। तो मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि यहाँ का जो टाइमिंग है ना, वो दोपहर के 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक है।
और ये सुबह ओपन नहीं रहता है, ये आप बात ध्यान में रखना, नहीं तो आप सुबह ही आ जाओगे। ये सिर्फ दोपहर के 4 बजे से स्टार्ट होता है। कैसा लग रहा है समीर भाई तुमको? एकदम हार्ड मस्त। 100 रुपीज वर्थ इट है कि नहीं यहाँ पे? 100 रुपीज वर्थ इट है। वर्थ इट है एकदम। आप 100 रुपीज देंगे, ज़्यादा कोई टिकट प्राइस नहीं है यहाँ का 100 रुपीज है। लेकिन आप ऐसी ऐसी फीस देख सकते हो ना यहाँ पे, एकदम अमेजिंग फीस जो आपने देखी भी नहीं होगी। मुझे तो ज़्यादा फीसों का नाम ही नहीं पता है। अब ये देखो, ये लोग कुछ टैलेंट भी नहीं करते, इनको देखने का पैसा दिया, खाली जुगाली कर रहे हैं। तो अभी आगे लेके जाता हूँ, और भी बहुत यहाँ पे फिश है। इलेक्ट्रिक ही नहीं शायद से, ये अभी शायद लोगों ने खाली इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि यहाँ पर कौन सी फिश है कि नहीं। और ये वाली फिश देखो, ओ भाई साहब, ये फिश तो एकदम खतरनाक दिख रही है। कैटफिश को बहुत मजा आता, एकदम शांति है ये फिश। मेन टनल तो अभी देखने को मिल रहा है, देखो टनल दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेन टनल जिसमें पूरा फिश है, ऐसा पूरा टनल बनाया है। यहाँ पे पूरा छोटा छोटा ही फिश है, ये बड़ा भी आगे देखते हैं, आगे बड़ा भी फिश है। तो अभी हम लोग आ गए हैं पूरा एक्वेरियम देख के बाहर, और बाहर पे ना यहाँ पे मेला लगा है, और अंदर तो बहुत ही अच्छा लगा। और कल्याण में इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया, बहुत ही बेस्ट लगा मुझे। 100 रुपीज़ वर्थ इट है यहाँ पे। आप आते हो तो ज़रूर इस प्लेस को विजिट करना, और यहाँ पे मेला भी लगा है, तो आपको अभी वो मेला दिखाता हूँ मैं आपको। आपको बता दूँ कि टनल का प्राइस और यहाँ के मेले का प्राइस अलग है, वहाँ का 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे अलग से जो मेला लगा है ना, यहाँ का अलग से प्राइस है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। तो अभी फ़िलहाल मेला इंजॉय करते हैं।
तो इसी साथ हम लोग ने एग्जिट कर लिया है और पूरा प्लेस मैंने कवर कर लिया है और मेला भी बहुत इंजॉय किया। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करो और 100 रुपीज़ वर्थ इट से यहाँ पे अगर आप आते हो विज़िट करने और फैमिली के साथ घूमने। तो इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्लेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।